तो फाइनली आ चुके मास महाराजा अयदेवगन की सिंघम अगेन एंड साथ में कार्तिकेयन की बुल प्लेयर 3 के कोने एपिसोड में वापस। तो आज बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 23 चल रहा है एंड फोर्थ ऑफ सैटरडे। अभी देखेंगे आज के दिन क्या नंबर है वो आ सकता है और कंपैरिजन टू फ्राइडे हमें कितना बड़ा जंप है वो देखने को मिल सकता है। बट उससे पहले यहाँ पे बुल प्लेयर 3 ने एज अ डोमेस्टिक की बात करें भाई सिंघम अगेन को ओवरटेक है वो कर दिया है। जी हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। फिलहाल देखो मेकर्स अभी ऑफिशियली नंबर है वो नहीं दे रहे हैं। कल हमें एक्सपेक्ट था कि सिंघम अगेन चांसेस कम ही थे, बट बुल प्लेयर 3 वो दे सकते हैं। थर्ड हाफ वीक क्लोज हुआ बट उन्होंने ऑफिशियली नंबर है वो नहीं दिया। यही एक रीज़न था कि कल मैंने बुल प्लेयर 3 की बात नहीं की कि चलो मेकर्स ऑफिशियली नंबर दे ही देंगे एंड हम सैटरडे को डिस्कशन कर देंगे, बट भाई उन्होंने ऑफिशियली नंबर है वो नहीं दिया है। लेट्स सी, अभी मंडे उम्मीद है देंगे। ठीक है भाई, नहीं देंगे तब भी ठीक है, बट हमारे अकॉर्डिंग एज अ डोमेस्टिक नेट यहाँ पे बुल प्लेयर 3 ने सिंघम अगेन को भाई ओवरटेक है वो कर दिया है। एंड ये अपने आप में मेरे भाई एक बड़ी उपलब्धि है। सिंघम अगेन एक बड़ी फिल्म थी, एज आप शोज काउंट भी देखोगे एज ओपनिंग वीकेंड काफी ज्यादा दिए गए थे भाई, वो काफी बड़ी फ्रेंचाइजी थी, बट यहाँ पे एज अ डोमेस्टिक ओवरटेक करना ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। नाउ मूव कर लेते हैं नंबर्स की ओर, हमारे पास क्या नंबर जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ डे नंबर 21 तक एंड डे नंबर 22 क्या रिलीज डेट्स है वो नील के सामने आ रहे हैं। डे नंबर 21 नंबर 1 सिंघम अगेन 1.15 सीआर के आसपास नेट कलेक्शन है वो किए है एंड ये ऑफिशियली नहीं है, ये एक एस्टिमेट रहेगा। एंड 260.65 जाएगा नेट पहले 21 डेज में, फर्स्ट ऑफ 3 वीक्स क्लोज तक। एंड ग्रोस 307.50, ओवरसीज 77 सीआर एंड वर्ल्ड वाइड में 384.50 सीआर। काफ़ी क्लोज है एज अ 400 सीआर वर्ल्ड वाइड, बट यहाँ से 15-16 करोड़ के आसपास और आ जाए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है भाई। अभी मामला काफ़ी कमाई नीचे गिर चुकी है, लेट्स सी अभी देखना दिलचस्प है वो रहने वाला है। एंड नाउ मूव टू बुल प्लेयर 3, अपने डे नंबर 21 समथिंग अराउंड 1.80 सीआर के आसपास नेट कलेक्शन है वो किया था एंड ये कुछ नंबर रहा तो टोटल जाएगा 260.80 सीआर। जी हाँ, 260.80 सीआर। एंड इसी के साथ ही सिंघम अगेन फाइनल नंबर भाई ओवरटेक वो कर दिए। फिलहाल दोनों रन पे है बट यहाँ पे एज अ सिंगल डे आप देखोगे बुल प्लेयर 3 भाई वो ज़्यादा कमाई कर रही है। एंड फिलहाल अपने डे नंबर 21 तक सिंघम अगेन को भाई ओवरटेक है वो कर दिया है। एंड इंडिया ग्रोथ जाएगा 307.70, ओवरसीज 73.50 एंड वर्ल्ड वाइड में 380.70 सीआर प्लस भाई फिगर है वो जाने वाली है। एंड ये कुछ अब तक का भाई स्टेटस है बोथ फिल्मों की बात करें अपने डे नंबर 21 तक एंड 3 वीक्स क्लोज तक। जो कि बुल प्लेयर 3 एक सुपरहिट फिल्म है जो कि सिंघम अगेन भाई वो एक अच्छा कलेक्शन है वो नहीं निकाल पाई है अपना लाइफ टाइम की बात करें, बीच में कि सुपरहिट नहीं है ब्लॉकबस्टर। काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग हमें नंबर वो देखने को मिलेगा। देखो आप एज अ डोमेस्टिक देखोगे अब तक की कॉपी यूनिवर्स की हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्म है, बट बजट काफ़ी ज़्यादा था एंड एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर का टैग शायद कहीं ना कहीं नहीं मिलता हुआ दिखाई है वो दे रहे हैं। नाउ मूव करते हैं अपने डे नंबर 22 एंड फ्राइडे एंड फोर्थ ऑफ फ्राइडे। दोनों फिल्मों की भाई कैसी हमें शुरुआत है वो देखने को मिली है। मैंने कल बताया था कि भाई शोज हमें थोड़े से कम में ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ कई सारी फिल्में आई कल के दिन। ना फिल्म अजय देवगन की, करण अर्जुन री रिलीज, पुष्पा द राइस री रिलीज, तो ये एक रीज़न है कि भाई थोड़े से हमें शोज हैं वो ड्रॉप देखने को मिले। दोनों फिल्मों के समथिंग अराउंड 30% रिड्यूस है वो कर दिए गए हैं एंड एक्सक्लूडिंग ऑफलाइन नंबर वो देखने वाले हैं तो महाराष्ट्र 430 शोज 9% ऑक्युपेंसी एंड 20 लाख कलेक्शन सिंघम अगेन एंड 540 शोज में 24 लाख बुल प्लेयर 3। नेक्स्ट दिल्ली यूटी 265 शोज 6% ऑक्युपेंसी एंड 9 लाख से ज्यादा कलेक्शन सिंघम अगेन जो कि 450 शोज देखोगे आप दिल्ली काफ़ी कम कर दिए गए हैं सिंघम अगेन जो कि बुल प्लेयर 3 काफ़ी ज़्यादा है एंड 20 लाख के आसपास कलेक्शन कंपैरिजन टू सिंघम अगेन ऑलमोस्ट डबल। एंड नेक्स्ट गुजरात 530 शोज 4% ऑक्युपेंसी 9 लाख कलेक्शन सिंघम एंड 500 प्लस शोज है बुल भैया एंड 11 लाख के आसपास नंबर है, काफ़ी मिलता जुलता है। नेक्स्ट यूपी 155 10% ऑक्युपेंसी एंड 3.60 सीआर ने लाख एंड 357 शोज में 8 लाख बुल प्लेयर 3 तीन गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल 75 शोज एंड 16% ऑक्युपेंसी एंड 1.90 लाख बिजनेस जो कि 190 शोज है बुल प्लेयर 3 के पास एंड 8 लाख से ज़्यादा है, चार चार
5-5 गुना ज्यादा सम प्लेसेस में। नेक्स्ट राजस्थान 134 शोज 8% ऑक्युपेंसी 5 लाख कलेक्शन एंड 194 शोज बुल रही 3 समथिंग अराउंड 7 लाख के आसपास, यहाँ पर भी ज्यादा है। नेक्स्ट कर्नाटका 31 शोज एंड 17% ओवरऑल ऑक्युपेंसी एंड 2.10 लाख बिजनेस एंड 64 शोज बुल रही 3 एंड 5 लाख डबल। नेक्स्ट बिहार 1.30 लाख सिंगम अगेन एंड 81 शोज में 3 लाख से ज्यादा बुल रही 3। तो यह बुल रही 3 एज अ सिंगल डे में काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है वो आ रहा है सिंगम अगेन से भाई हम कंपेयर करें, एंड शोज काउंट लगभग 4000 के आसपास है बुल रही 3 के पास एंड 2700 के आसपास शोज हैं लगभग सिंगम अगेन के पास। अभी बुल रही 3 ज़्यादा शोज में रन कर रही है एंड ये कुछ स्टेटस है एज अ स्टेट वाइज एक्सक्लूडिंग ऑफलाइन, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि बुल रही 3 वो डोमिनेट कर रही है एंड कितना कलेक्शन किया है दोनों ने, क्या फाइनल अर्ली एस्टिमेट्स अपने दिल के सामने आ रहा है अपने 4th फ्राइडे। सिंगम अगेन समथिंग अराउंड 90-95 लाख देखने को मिल रहा है एंड ऐसा फर्स्ट टाइम है कि भाई फिल्म अपने लाखों में कलेक्शन वो कर रही है, वो भी अपने डी नंबर 22 शैतान आई थिंक सो डी नंबर 25 लाखों में, दृश्यम 2 डी नंबर 32 लाखों में। ये वो फिल्में आफ्टर कोविड यहाँ पे देवगन ने ब्लॉकबस्टर एंड हिट फिल्में दी हैं और यहाँ पे कहना होगा कि सिंगम अगेन थोड़ा जल्दी भाई लाखों में आती हुई दिखाई है वो दे रही है। लेट्स सी मेकर्स मंडे को ऑफिशियल फिगर देंगे, हम ये उम्मीद कर रहे हैं लेट्स सी देंगे ठीक है नहीं देंगे भाई तब भी ठीक है। एंड बुल ब्लेया 3 अपने 4th फ्राइडे 1.50 CR के आसपास नेट फिगर है वो दिख रही है एंड बुल ब्लेया 3 एज अ सिंगल डे में काफ़ी आगे निकल चुकी है एंड यही कुछ नंबर रहा तो बुल ब्लेया जाएगी 262.30 नेट अपने पहले 22 डेज एंड 261.55 जाएगा सिंगम अगेन 1st of day number 22 तक। लेट्स सी मेकर्स भाई कब तक ये ऑफिशियली नंबर है वो देते एंड ये कुछ स्टेटस है अपने 1st of day number 22 तक एंड डे नंबर 23 आज 4th of Saturday क्या कलेक्शन अब आ सकता है एंड कितना बड़ा हमें भाई यू जंप अब देखने को मिल सकता है। देखो एडवांस कंपैरिजन टू यस्टरडे 25-30% हमें जंप देखने को मिल रहा है तो आप समथिंग अराउंड 40-50% जंप पकड़ सकते हैं ओवरऑल। आज आफ्टरनून इवनिंग नाइट है वो स्ट्रांग है वो जाने वाला है तो समथिंग अराउंड 1.25-1.30 सिंगम अगेन एंड 2.20 समथिंग अराउंड बुल ब्लेया 3 मामला 2 करोड़ से भाई जाया जाता हुआ दिखाई दे रहा है एज अ बुल ब्लेया 3 एंड सिंगम अगेन मामला अगेन करोड़ों में आता हुआ दिखाई है वो दे रहे हैं एंड दोनों के बीच में कंपैरिजन करोगे तो भाई बुल ब्लेया 3 फिलहाल काफ़ी आगे हैं वो निकल चुकी है तो आज हमें उम्मीद है कि एज अ सिंगम अगेन महाराष्ट्र एंड गुजरात ये दोनों ऐसी स्टेट है भाई नंबर को बूस्ट करने की कोशिश है वो करेंगी, बाकी नदर मुझे भाई ज़्यादा जंप है वो देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल। अभी के लिए इतना ही, आई होप सभी को भाई अच्छे समझ में आ गया होगा भाई डिवाइस एडवांस बुकिंग और डिवाइस क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए।